अल्लाहु अकबर का नारा दिया गया है, उसे सुनकर सीना चौड़ा हो गया है। दूसरी तरफ हिंदू कह रहे हैं कि हम तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, आप फूलमालाओं को रखें और हम तुम्हारे हमारा स्वागत करना, हमारे हम बजरंग दल वाले तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी, यानी कि दोनों ने ही एक दूसरे को उकसाया है। और इन धर्म के कट्टरता को मानने वाले लोगों की वजह से जो आम नागरिक है, जो प्यार मोहब्बत से झाड़ी मजदूरी कर कर अपने जीवन यापन कर रहा है, अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहा है, नुकसान उसे उठाना पड़ रहा है। ये जितने भी धार्मिक कट्टर लोग हैं, इनकी भारत में जगह नहीं है, इन्हें उठाकर सीधा जेल में डाल दो। इनकी दोनों की ही जरूरत नहीं है, कट्टरता की बिल्कुल जरूरत नहीं है भारत को। भारत के संविधान में भी कट्टरता के जैसे शब्द नहीं है। हटा दो इन्हें, ये लोग भारत में रहने लायक नहीं है, इन्हें निकालो, खत्म करो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये दोनों जो कट्टर हैं उन्हें हटा दो। लेकिन धर्म का काम कर रहे थे उस दोनों पक्ष। मैंने क्या कहा, धर्म की कट्टरता। मुझे एक चीज़ बताइए आप, क्या इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई तीसरा रिलीजन है नहीं? क्या सिख नहीं है, क्या ईसाई नहीं है, बौद्ध नहीं है, पारसी नहीं है, लिंगायत नहीं है, या सरना नहीं है जिन्हें आदिवासी कहा जाता है? कितने शकुन और कितने प्यार से रह रहे हैं। क्या समस्या है सियासत को ये दो धर्मों की बात कर कर और दूसरे तीसरे धर्मों के लोगों को ये मारते हैं? क्या समस्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जब शहर जलता है तो ना मुस्लिम देखा जाता, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना हिंदू, ना पारसी, ना जैन, ना लिंगायत, सभी चपेट में आते हैं, नुकसान सभी को होता है। लेकिन जिनकी तलवारों में धार लगी हुई है, जिनकी बंदूकों में से आग निकल रही है, वो सुरक्षित हो जाते हैं, वो सिर्फ भड़काते हैं और अपने घरों में घुस जाते हैं। मारा जाता है निर्दोष, कमज़ोर, ऐसा है व्यक्ति हमेशा बलि चढ़ता है। तो ये जितने भी धार्मिक कट्टर लोग हैं, ये कब उत्पाद में बदल जाएं कोई नहीं कह सकता। ये सब धर्म का उत्पाद है, इसे कहेंगे खुला तांडव, इसे न कहेंगे धर्म के नाम पर आतंक मचाना। लेकिन भगवा धारियों ने जो अपील की थी कि जाट आइए, ट्रैक्टर टोली लाइए, खाप पंचायतें कहाँ रह गई, खाप चौधरी कहाँ रह गए, गुजर, अहीर, सैनी, कुशवाहा, ये आखिर वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए नूह में बात में समर्थन में हिंदुओं को बचाने के लिए, और अपने जो पूरा वहाँ पर नुकसान हुआ उसमें समर्थन क्यों नहीं करने गए हिंदुओं का? समझदार व्यक्ति, मैंने कहा समझदार व्यक्ति पहुँचे हैं वहाँ पर, लेकिन उस दंगे को ख़त्म कराने के लिए पहुँचे हैं, भड़काने के लिए नहीं पहुँचे हैं। वहाँ लोगों से अपील की है कि इस दंगे को ख़त्म करिए, भाईचारे से जैसे आप 100 साल 200 साल से रहते आ रहे थे, उसी तरीक़ा से आप आगे भी रहिए। आप इस राजनीति की भेंट ना चढ़ें, आप बलि का बकरा ना बने। तो उन्होंने पुकारा, लेकिन वो लोग गए दंगे को शांत करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए कि आप लोग इन भड़काऊ भाषणों पर ध्यान ना दें। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमोबुद्धाय। मैं इसे धर्म की कट्टरता की आग मानता हूँ कि जो मेवात में हुआ है, मेवात में जो आग फैली है वो, और मणिपुर की आग वो, ये दोनों डिफरेंट हैं थोड़ी सी। लेकिन ये कह सकते हैं कि मणिपुर से उठकर वो मेवात दिल्ली एनसीआर में आ गई, घुस गई, जिसकी वजह से इंडिया का टॉप मोस्ट शहर है गुड़गामा, उस तक में उसकी झपटें हमने देखी, मार्केट भी बंद रही और वहाँ पे मारपीट भी हुई, हमने देखा आगजनी हुई। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ धर्म की कट्टरता है। धर्म की कट्टरता में इतने अंधे हो गए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो दूसरे लोगों को देखना पसंद ही नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमारा धर्म और हमारे लोग ही स्वस्थ रहें, जीवित रहें और हमारा ही कब्जा रहे, चाहे वो मेवात के मुस्लिम हो, चाहे वो हरियाणा के हिंदू। इनमें दोनों का ही भाग्यदारी है, किसी एक पर थोप देना गलत होगा, बेईमानी होगी। क्योंकि हमने देखा, मैंने मुस्लिम लड़कों की भी वीडियो देखी और मैंने हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भी वीडियो देखी, तो किसी में भी कोई कोर कसर नज़र नहीं आई, दोनों एक दूसरे को उकसाते हुए दिखे। इन लोगों की वजह से जो आम जन थे, जो शांति और सद्भावना, भाईचारे में भरोसा रखते हैं, भाईचारा बनाकर रहना चाहते हैं शांति और सुकून के साथ, उन लोगों को इन लोगों की वजह से जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा दर्दनीय है, भयंकर है, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। जिन लोगों का कसूर भी नहीं था, ऐसे ना जाने कितने अनगिनत परिवार इस धार्मिक दंगे की चपेट में आया, उसे नुकसान हुए, आज उसके साथ में और भी
कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बिल्डोजर भी चल रहे हैं, लेकिन मुहर्रम निकाला जाए हथियार लेकर के, तलवार चाकू लेकर के, छुरी लेकर के मंदिरों के आगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती। यदि जब बजरंग दल वाले मस्जिद से आगे निकलते हैं, डीजे बजाते हैं, तो उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। मैंने जब इस घटना के संबंधित दो वीडियो देखी, उसमें मैं देख रहा हूँ मुस्लिम ब्लॉगर हैं जो यूट्यूब पर ब्लॉग वगैरह करते हैं, उनकी अगर आप वीडियो देखोगे तो आप होचक्के रह जाओगे। करीब 6 लोगों की मृत्यु हो गई है इस पूरे मामले में, नूह मेवात में। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। जब ये लोग फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जब ये एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, कमेंटबाजी कर रहे थे, तो वहाँ के गृह मंत्री सो रहे थे आंख बंद कर, वहाँ की सरकार सुकून में थी, दंगा होने का इंतजार कर रही थी। मुझे लगता है कि अगर इन लोगों को उठाकर गवर्नमेंट उस समय ही शासन प्रशासन कार्रवाई करता और इन्हें जेल डाल देता तो ये दंगा नहीं होता। हिंदुओं की यात्रा भी बड़े सुकून के साथ निकलती और मुस्लिम भी बड़े सुकून के साथ रह रहे होते। तो इसमें एक बड़ी भूमिका मैं हरियाणा सरकार की मानता हूँ, गृह मंत्री की, ये मैं गलती मानता हूँ इसे, जिसके कारण ये दंगा भड़का है। भगवादारी हैं वो, अब अपील कर रहे हैं हिंदुओं से कि भाइयों जल्दी आओ, कहाँ सोए हुए हो आप हिंदुओं, जाट गुजर और ये यादव अहीर सैनी कुशवाहा चमार जाटव दलित सब, आप जल्दी आइए नूह मेवात, हमें बचाइए, यहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, हमारी हेल्प करिए, हिंदू खतरे में हैं, धर्म खतरे में, ऐसे अपील कर रहे हैं। तो वो लोग क्यों नहीं जा रहे हैं उनकी सपोर्ट में, हिंदुओं को बचाने के लिए, ये सब जो मैंने नाम लिए इन जातियों के? वहाँ पर जाट समर्थन में आए हैं उस दंगे को ख़त्म करने के समर्थन में, दंगे को भड़काने के नहीं। जाट भी आए हैं, गुजर भी आए हैं, और उन्होंने कहा है कि भई आज तक इस मेवात के अंदर कोई झगड़ा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बड़े सुकून और प्यार से रह रहे हैं। लेकिन एक मोनू मानेसर नाम का व्यक्ति है, यादव है लेकिन मोनू मानेसर अपना सरनेम लगाता, और एक बजरंगी करकर है, बिट्टू बजरंगी। ये 3-4 लोग हैं और भी उनमें एक दो लोग हैं। एक मैं सुन रहा था, वो बहुत ही भड़काऊ भाषण दे रहा था, नया लड़का है वो, और भगवा कपड़े पहनकर वो काफ़ी उल्टा सीधा बोल रहा था, गवर्नमेंट को भी बोल रहा था, वो केंद्र सरकार को भी उसने बोला, आर्मी पता ना क्या क्या उसने बोला, बहुत कुछ बोला। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये उन्होंने, कई सारे लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं निकल कर आ गए कि भाई इसमें ये प्रायोजित दंगा है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस दंगे को कराया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों कहीं ना कहीं पेड प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। भारत में हिंदू मुसलमान के अलावा भी और रिलीजन है, सिखों से बौद्धों को क्यों नहीं लड़ाते, या ईसाइयों से लिंगायत को क्यों नहीं लड़ाते, या जैनियों को सरना से क्यों नहीं लड़ाते? क्योंकि वो नहीं लड़ेंगे, वो समझदार लोग हैं, और अगर कहीं दिमाग में अगर कहीं गोबर भरा है तो मुझे लगता है इन दोनों कम्युनिटियों को ये अपने गोबर को निकाल देना चाहिए, कट्टरता को ख़त्म कर देना चाहिए। भड़काऊ भाषण कोई देता है तो उससे क्या होता है कि सामने वाला अगर ना भड़केगा तो उस भड़काऊ भाषण का कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन अगर कोई भड़क जाए तो उसका महत्व इतना बदल जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे के पूरे शहर को फूंक देता है। लेकिन मोनू मानेसर उर्फ मोनू यादव तो धर्म बचा रहे हैं हिंदुओं के पक्ष में, वो जो पूरा अभियान चला रहे हैं गोरक्षा के, वो गाय को बचा रहे हैं, हिंदुओं को बचा रहे हैं मोनू यादव। देखिए मुझे लग रहा है कि मोनू यादव पैदा भी ना हुए थे, धर्म तब से है और ना रहेंगे, धर्म उसके बाद भी रहेगा। मोनू मानेसर के जैसे हजारों आए, हजारों चले गए, और न जाने कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे। धर्म था, धर्म है, धर्म बना रहेगा, क्योंकि भारत एक धार्मिक धर्म के बिना कुछ नहीं है, यहाँ पर धर्म को बहुत बड़ी महत्वता दी जाती है, तो धर्म बना रहेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप किसी भी धर्म को हटाकर अगर आप मानवता की बात करेंगे तो आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा, और उस समूचे जीव कल्याण होगा जो धरती पर निर्भर करता है, जो जीव रहता है धरती पर, उन सबका ही जीव कल्याण होगा। लेकिन सर आपसे पहले हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर पोस्टर बॉय रहे हैं, चाहे विनय कटियार हो, उमा भारती हो, अशोक मोची हो, या चंदन गुप्ता हो, या फिर ये मोनू मानेसर हो गए, या बिट्टू बजरंगी हो गए, इनको बदले में क्या मिलेगा और क्या मिला है ऐसे लोगों को जो धर्म की जो लाठी लेकर आगे आगे चलते हैं? इनको मिलेगा, इतना मिलेगा कि ये विधायक बना दिए जाएंगे, टिकट दे दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी से, या इन्हें सांसद बना दिया जाएगा, या हिंदू के नाम पर इन्हें कुछ दूसरी व्यवस्थाएँ दे दी जाएंगी। लेकिन मैं
इनसे भी अपील करता हूँ कि आप अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें, आप अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी माँ बहन भाइयों का ध्यान रखें, आप इसकी भेंट ना चढ़ें कि ये पता नहीं कब किसको नील जाए। ये इतना बड़ा राक्षस होता है धर्म की कट्टरता वाला कि ये बख्शता नहीं है किसी को भी, ये किसी को भी नील सकता है। ये धर्म की कट्टरता बहुत बड़ा जानवर है, ये किसी को भी खाने में संकोच नहीं करता। इसलिए सद्भावना से रहें, देश में प्यार मोहब्बत को बनाए रखें और एक दूसरे के साथ जिस तरीके से हम गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है देश को, है ना, उस तरीके से हम रहें प्यार से, जिस तरीके से हमारा संविधान कहता है, जिस तरीके से हमारी धरोहर है देश की हमारी, कि हम सब मिलकर रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। तो मैं ये लोगों को कहूँगा और मैं अपील करूँगा कि आप किसी धर्म की कट्टरता की भेंट ना चढ़ें, आप किसी के भड़काए में ना आए और अपने घर में रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। लेकिन अब जो बुलडोजर चल रहा है नूह मेवात में, सैकड़ों मकान तोड़ दिए गए हैं, दुकान तोड़ दी गई हैं, ठेली तोड़ दी गई हैं, जो आसपास लोग दुकान लगाते हैं पटरी, वो सब ख़त्म कर दिया गया है, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जो अतिक्रमण होता है वो तो गाज़ियाबाद में, दिल्ली NCR में, नोएडा में भी हटाया जाता है, लेकिन अगर किसी का पक्का निर्माण अगर ध्वस्त किया जा रहा है बिना नोटिस के, तो ये गलत है। ये कानून की मतलब अवहेलना करना है, ये गलत है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक जो अधिकार हैं व्यक्ति विशेष के, उनका पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, बशर्ते सरकार भी इसका पालन करे। ये गलत है अगर बिना नोटिस के किसी ने अगर गलत तरीके से निर्माण कर रखा तो उसे नोटिस दें, कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए। और डायरेक्ट आप एक्शन ही ले देंगे तो फिर न्यायालयों की तो महत्व ही खत्म हो जाएगा, फिर कोर्ट जाने की आवश्यकता ही क्या है कि सरकार को आप एप्लीकेशन दे, डायरेक्ट ही एक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए पूरी एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके लिए संविधान है, उसके लिए जुडिशियली बनी हुई है, सारी चीज़ें हैं। ये डायरेक्ट एक्शन का काम नहीं है, इसमें प्रॉपर तरीके से कानून के तरीके से एक चैनल चलता है, उस चैनल के तहत कार्रवाई करें और अगर गलत पाया जाता है तो उसे ध्वस्त कर दें, यही प्रक्रिया है।